आज हम बनाने वाले एक ब्यूटीफुल सीनरी ड्राइंग वाटर कलर के अंदर। तो सबसे पहले हम एक लैंड वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते, लाइट लाइट ड्रॉ करते पेपर के सेंटर में, और नीचे के साइड में भी एक पार्ट बना लेते हैं। इस टाइप से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हम छोटे छोटे से हाउस ड्रॉ करने वाले। तो सबसे पहले उल्टा वी शेप ड्रॉ करना है, स्टैंडिंग लाइन दोनों साइड। ऐसे हम दो घर बना लेते हैं। ये दो घर बन जाने के बाद हम और एक घर बनाने वाले हैं। पेड़ भी अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। जो बेसिक है वही चीज़ें ड्रॉ करना है, बहुत डिटेल नहीं करना है ड्राइंग। यहाँ पे भी हम एक पेड़ बनाएंगे और ऊपर तक थोड़ा थोड़ा सा ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। यहाँ पर और एक पेड़ बना लेते हैं बड़ा सा। तो यहाँ पर भी हम एक घर वापस बना लेते हैं। तो ये घर बन जाने के बाद यहाँ से हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर हम एक सन ड्रॉ करेंगे बाद में डायरेक्ट कलर से ही। पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्लीन वाटर से पूरा ड्राइंग को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कलर मिक्स करना है एक दूसरे में, इसलिए हम पूरा अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और उसे वॉश हो जाने के बाद 5 मिनट तक सूखने देते हैं। ये पूरा का पूरा फ्लैट ब्रश से वॉश किया है। इसके बाद ऊपर से हम स्काई का कलर करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टी कलर यूज़ करने वाले हैं, पिंक शेड, येलो, ऑरेंज, ऐसे स्काई में हम कलर भरने वाले हैं। स्काई का कलर अच्छे से हो जाने के बाद हम सन को बनाने वाले। तो सन को बनाने के लिए हम लेमन येलो, क्रोम येलो शेड का यूज़ करने वाले हैं और उसी को स्काई के अंदर मिक्स करने वाले हैं। जब हम ये मिक्स कर लेंगे उसे ड्राई होने देंगे, क्योंकि ये लाइट लाइट शेड कर रहे। फिर हम जब ये सूख जाएगा इसके ऊपर हम दोबारा से डार्क शेड करने वाले हैं। अब ऊपर का कलर हो गया। उसके बाद हम जो नीचे रिवर लैंड का जो कलरिंग रहेगा वो करते हैं। तो यहाँ पर हम जो रिवर सीन है उसको येलो, क्रोम येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे हम मल्टी कलर इसमें यूज़ करने वाले हैं, शेड यूज़ करें। और जहाँ पे सन का रिफ्लेक्शन दिखाना है वहाँ पे हमने कलर नहीं किया। अब ये जो लैंड वाला पार्ट है, ज़मीन का पार्ट है, यहाँ पे हमने ऑरेंज, ब्राउन शेड ऐसा कलर किया है। अब पूरा जो रिवर लैंड पार्ट है वो कलरिंग हम येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन ये वाले शेड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शेडो दिखाने वाले, इसलिए हमने पहले डार्क ब्राउन शेड कर लिया है पानी के अंदर। रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए इस टाइप से स्ट्रोक कर लेते हैं। तब तक हम ऊपर का भी ड्राई हो गया है तो वहाँ पे थोड़ा डार्क शेड कर लिया। वापस हम जो रिफ्लेक्शन नीचे दिखाया उसी में डार्क ब्राउन शेड का यूज़ करके वापस शेडो बनाते हैं। इस टाइप से हम कर लेते हैं। ये सब हो जाने के बाद अब हम जो ऊपर का लैंड पार्ट है वहाँ पे ब्लू शेड का लाइट लाइट टोन फिल कर लेते हैं। कोबाल्ट ब्लू शेड का यूज़ किया है। यहाँ पे हम पर्पल शेड, थोड़ा सा पर्पल और थोड़ा सा डार्क शेड घर के आजू बाजू में हम करने वाले हैं। जो ऊपर का लैंड पार्ट है, ज़मीन वाला पार्ट है, वहाँ पे भी हम येलो ऑकर, क्रोम येलो, लेमन येलो के भी शेड यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से हम उसको हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और ब्रश के पॉइंट से काम करना है, ब्रश को बहुत दबा दबा के नहीं चलाना है। तो ये ज़मीन का पार्ट को भी हम डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड, और पानी का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए, कलर का यूज़ कम होना चाहिए। वाटर कलर मीन्स वाटर का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस टाइप से स्ट्रोक भी अच्छे से लगाना है, सूखने देना है, थोड़ा थोड़ा समय देना है ड्राइंग सूखने के लिए। बहुत जल्दी जल्दी किया तो ख़राब भी हो जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देते हुए हमको काम करना होता है। जो घर की छत है उसके ऊपर हम लाइट पर्पल शेड पहले अच्छे से फिल कर लेते हैं, उसे भी सूखने देंगे, उसके बाद हम डार्क शेड करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग में हम पहले लाइट लाइट शेड कर रहे हैं, सूखने दे रहे, फिर डार्क शेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है पूरे के पूरे ड्राइंग में। जैसा हमने ट्री करना है या घर बनाना है या रिवर बनाना है या स्काई बनाना है, ये सारी चीज़ों में हमें पहले लाइट शेड करना है, फिर मिडल, फिर डार्क।
तो इस टाइप से हम पेड़ में भी लाइट, मिडल, डार्क और यहाँ पर हम मल्टी कलर्स के पेड़ बनाने वाले, मल्टी कलरफुल, तो इस टाइप से हम कलर यूज़ कर सकते हैं। लाइट लाइट कलरिंग कर लेते हैं, पूरा अच्छे से लाइट हो जाने के बाद हम उसके ऊपर दोबारा डार्क शेड करेंगे। अब घर के छत जो है उसको भी हम डार्क शेड कर लेते हैं उसी कलर से, पर्पल का डार्क शेड। तो यहाँ पे बीच में, दो घरों के बीच में फिर से डार्क शेड कर लिया है, दो पार्ट अलग अलग दिखाने के लिए। जो विंडोज़ डोर है घर के, उनको भी हम डार्क शेड कर लेते हैं। इस टाइप से घर के आजू बाजू में भी थोड़ा थोड़ा डार्क शेड कर लेते हैं। तो ये पूरा ब्रश के पॉइंट से करना है, ब्रश को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, और हल्के हल्के हाथ से कलरिंग करना है। आउटलाइन ऐसे पॉइंट टाइप ब्रश के पॉइंट से करना है। जो दूसरा घर है उसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी हम एक जो डोर है, विंडो है, ऐसा ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो घर के बाजू में भी थोड़ी सी ग्रास वगैरह डार्क शेड से कर लेते हैं। और ये नीचे ड्राई हो गया है तो यहाँ पे हम और डार्क शेड कर लेते हैं, तो और अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो शेडो बनाना है उसके अंदर। तो इस टाइप से भी हम अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके बनाते हैं। यहीं पे हम शेडो भी बनाते हैं, यहाँ पे जो स्टोन है उनको भी हम कलरिंग कर लेंगे वही कलर। तो पॉइंट से काम करना है, इस टाइप से कलरिंग भी कर लेंगे और यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन दे देते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन अच्छे से करना है, बड़ा होते होते छोटा, बड़ा होते होते छोटा, स्लीपिंग स्ट्रोक में। अब यहाँ पर हम सैप ग्रीन कलर और येलो ऑकर शेड को मिक्स करके ये ट्री का कलरिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम पेड़ भी बना लेंगे मिक्स करके, येलो ऑकर, सैप ग्रीन शेड। यहाँ पर हम लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन का ट्रंक बनाते हैं। अब ये हो जाने के बाद उसे सूखने देंगे, बाद में हम डार्क शेड करेंगे डार्क ब्राउन से। उसी तरह से हम जो दूसरे पेड़ है उसमें भी लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन सूखने देंगे, फिर डार्क शेड करेंगे। तो इस टाइप से हम वाटर कलर में पहले लाइट शेड, फिर मिडल, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। जब पता चला कि ज़्यादा लाइट हो गया तो हम दोबारा उसके ऊपर कलरिंग मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्स कब होता है, जब हम शुरू में ही वॉश किया रहता है, तो एक दूसरे में मिक्स करने के लिए हम वॉश करते हैं। मिक्स नहीं करना है तो हम वैसे ही कलर लगा सकते हैं, मिक्स नहीं करना है तो यहाँ पे हमें मिक्स करना होता है, इसलिए हमने पूरे ड्राइंग को वॉश किया था। ये चीज़ें भी ध्यान देना है एक दूसरे में फाइन मिक्स होने के लिए। जो किनार है वहाँ पे भी हम थोड़ी ग्रास बना लेते हैं, और उसके बाद हम वहाँ पर फेंस भी ड्रॉ करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो जो सूरज की किरणें आ रही है पानी के अंदर, वहाँ पे हमने लाइट शेड छोड़ दिया है। बाकी जो पानी है वहाँ पे हमने येलो ऑकर, ऑरेंज, थोड़ा सा रेड शेड, ब्राउन शेड, ऐसे शेड मिक्स किए हैं। तो यहाँ पे हम येलो, क्रोम येलो सारे शेड पानी के अंदर रिफ्लेक्शन में दिखा रहे हैं। और जो सूरज की किरणें पानी के अंदर आ रही है वहाँ पे हाईलाइट वाला जो पार्ट है वैसे ही रख दिया है, वहाँ पे कलर मिक्स नहीं किया है। इस टाइप से हम सुंदर कलरिंग कर सकते हैं। ब्रश के पॉइंट से कलरिंग करना है और स्लैंटिंग, पीछे ब्रश पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हम जो दूसरे ट्री है उसमें भी वापस कलरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सैप ग्रीन, येलो ऑकर, ये वाले शेड यूज़ किए, और ब्लू शेड भी यूज़ करने वाले हैं। और ये कलरफुल ट्री है इस टाइप से, तो हम थोड़ा सा हमारा इमेजिनेशन भी ऐड कर सकते हैं और बढ़िया सा कलरिंग करना है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा थोड़ा ब्लू शेड मिक्स करते चलते हैं। और वाटर कलर में पूरा पानी का ही यूज़ होना चाहिए, कलर कम पानी ज़्यादा, मतलब 10% कलर होना चाहिए, 90% वाटर होना चाहिए। अब जो घर के पीछे की साइड में थोड़े से डार्क कलर में हम ट्री बना लेते, तो यहाँ पे डार्क ब्लू जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, पर्पल शेड का यूज़ कर सकते हैं,
तो इस स्टेप से हम ब्लू की डार्क शेड में शेड कर लेते हैं। तो इस टाइप से ब्यूटीफुल हमें कलरिंग करना है, तो जो सीनरी बनेंगी वो कलरफुल सीनरी बनेगी। वैसे जो बैकग्राउंड में हमने लाइट लाइट शेड करके रखा था उसके ऊपर हम दोबारा डार्क शेड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कलर सूख जाते हैं उसके बाद भी हमें पता चलता है कि हमने कितना कलर और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमने स्काई में पहले लाइट वॉश किया था, फिर वो सूख गया, फिर ज़्यादा लाइट दिख रहा, तो हम उसके ऊपर दोबारा कर सकते हैं। तो वो आर्ट वर्क देख के कर सकते हैं या फिर हमारे इमेजिनेशन से कि हमें और डार्क चाहिए या नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे डिपेंड करती हैं। तो कलरिंग करते समय, वाटर कलर करते समय पहले लाइट, फिर मिडल, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप में हम हमेशा कलरिंग करते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है। तो घर के ऊपर भी हम आउटलाइन कर लेते हैं। इस टाइप से बढ़िया सा आउटलाइन हो गया। नीचे शेडो वगैरह ये भी ध्यान से अच्छे से देख के कलरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक फ्लैट ब्रश, एक 10 नंबर का और एक 8 नंबर का ब्रश से पूरा का पूरा ड्राइंग बनाया है। यहाँ पे हम फेंस बना लेते हैं। तो फेंस बनाते समय हमने डार्क ब्राउन का यूज़ किया है और पॉइंट से काम करना है। ब्रश को बहुत दबा दबा के नहीं चलाना है, हल्के हल्के हाथ से कलर मिक्स करना है। तो ज़मीन के पार्ट पे भी क्रोम येल्लो, लेमन येल्लो, अभी जैसा देखो स्काई ज़्यादा लाइट हो गया तो वापस हम इसमें शेड कर सकते हैं थोड़ा सा डार्क। ये कलरफुल सीनरी है इसलिए हम कलरफुल बना रहे हैं। यहाँ पे हम बढ़िया सा कलरिंग भी कर लेते हैं फ्लैट ब्रश से या राउंड ब्रश से। ब्रश हल्के हल्के हाथ से चलाना होता है, बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं। जो सन है उसके आजू बाजू में भी फिर से हम थोड़ा सा लेमन येलो, क्रोम येलो से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सी बोर्ड बनाएंगे पानी के अंदर, और उसके अंदर कोई नहीं बैठा है ऐसा बता रहे, और वो किनार पे खड़ी है और उसका शेडो भी। यहाँ पे हम नीचे में थोड़ी सी डार्क ब्राउन शेड से ग्रास बना लेते हैं। तो इस टाइप से ऊपर स्ट्रोक होना चाहिए। तो इस टाइप से हम आगे पीछे कंप्लीट करते हुए ड्राइंग को पूरा करते हैं। ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें ध्यान देना है और एक सुंदर सा ड्राइंग बनाना है। छोटे छोटे स्ट्रोक में कलरिंग करना है। जैसे यहाँ पे अभी पेड़ के लिए हमने 3-4 शेड यूज़ किए, तो इसी टाइप से हमें कलर करना होता है। ये वाले पेड़ में भी वैसी कलरिंग करते हैं। ये कलरिंग हो जाने के बाद हम नीचे में जो ग्रास है उसमें थोड़े से डार्क शेड कर लेते हैं। और ये सब हो जाने के बाद लास्ट में हम आकाश के अंदर कुछ छोटे छोटे से बर्ड भी बना सकते हैं लाइट शेड से, बहुत ज़्यादा डार्क शेड से नहीं, और छोटे छोटे बनाना है, बहुत बड़े बड़े नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है ऐसा हम दिखा रहे हैं, इसलिए लाइट भी होना चाहिए और छोटे भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क शेड में नहीं। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा सीनरी, कलरफुल सीनरी ड्राइंग बना सकते हैं। आप सबको ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।